लोगों ने बोला व्लॉग बनाओ व्लॉग बनाओ, तो आज हम लोग ने फाइनली व्लॉग बना दिया। तो हम मनाने जा रहे हैं वैलेंटाइन डे अपने स्टाइल में। आज या बेबी हम तो निकाल दे। आज कैसे है तू? बाबा आई लव यू। डैडी को आई लव यू बोलते तू? बदमाश बच्चा। माँ हम करने वाले आज बसंत पंचमी की पूजा और सरस्वती माँ की पूजा। तो ये हमने छोटा सा आसन बनाया सरस्वती माँ का। यहाँ पे आज विराजमान होने वाली है सरस्वती देवी हमारे घर में। शुभ मुहूर्त था 249 से कल तक का। बिंदी ये कह रहे हैं कि मेरे इस लुक पे बिंदी अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच। आज का पूरा लुक हीरल ने किया है। बाल इतने लंबे हो गए हैं। पूजा को कहते हैं क्या कहते हैं मम्मी? आरंभ संस्कार। तो जितने भी लेडीज के व्लॉग देख रही है, देखो भाई वेस्टर्न कल्चर में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, अपने हिंदुस्तान में सब चीजें फिट हुई हुई है। तो विद्या आरंभ संस्कार आपके बच्चे का वो समय होता है जब आप उसको एजुकेशन की तरफ लेके जाते हैं। तो ये आद्या का राइट एज है। आज हम आद्या को उसके हाथों से क्या लिखवाने वाले गाइस? पहला अक्षर। तो हमारे घर की एंट्रेंस पे आपको मिलेगी ये प्यारी सी रंगोली। यहाँ पे बंगाली कल्चर का हमने थोड़ा सा मतलब बिकॉज़ मैं खुद झारखंड से पली बड़ी हूँ, तो मैंने सरस्वती पूजा अपनी थ्रू आउट जिंदगी मनाई है। फिर भी आज खाने भी देखो, हमने चने बनाए हैं जो बंगाली फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमने खीर बनाई है और हमने बनाई है मेरी फेवरेट लूची। का नहीं मेरी लूची जो आज खीर लूची और पूरा बंगाली फॉर्म में हमने खाना बनाया है। और ये बनाया है आद्या के लिए। सो ये है केसर और हल्दी दूध के साथ। इसी से आद्या लिखेगी पहला अक्षर। वो मैं आगे बताऊंगी व्लॉग में कि पहला अक्षर क्या लिखने वाली है वो। वेलकम वेलकम टू द व्लॉग। कौन तैयार नहीं हुआ है? अरे मेरे बाल एक्सटेंशन वाले भी साथ साथ मत रखो। तो शार्ड ने मुझे इतनी अमेजिंग वैलेंटाइन गिफ्ट दी है। कल हमारी एनिवर्सरी भी है। इसने मुझे लंदन की टिकट्स गिफ्ट की है। हम लोग 13 मार्च को लंदन जा रहे हैं हैरी पॉटर के स्टूडियो में। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो था एक दूसरे को प्रॉमिसेस करते हैं ना, तो इसने मुझे प्रॉमिस किया था कि मुझे हैरी पॉटर स्टूडियो एक बार जिंदगी में जरूर लेके जाएगा और वो दिन आ गया। सपने सच होते हैं भाई बहनों। तो मेरे लिए सपना ही था। मैंने कभी लाइफ में भी नहीं सोचा था कि तुषार सर लंदन का टिकट मुझे गिफ्ट करेगा। हमने क्योंकि अब ब्लॉग शूट करना बंद कर दिया तो वो शूट नहीं किया, पर इसने डब्बे के अंदर डाल के एक लंदन की टिकट गिफ्ट की थी। इट वाज सो अमेजिंग। भाई तू कौन सी पूजा कर रहा है? टेक्नोलॉजी की। नमस्ते सर जी। नमस्ते। आज हमने सोचा कि ये सबसे शुभ दिन है बच्ची के हाथ से अक्षर लिखवा। बहुत बढ़िया सोचा आपको भगवान का। तो लोग सर ढूंढते हैं कब होटल में जाएगा बोला। आपने अच्छा सोचा कि है ना, की पूजा कब करे, कब पिक्चर देखने जा रहे हो, कभी सोचते हैं। वैलेंटाइन नहीं मनाया, यही हमारा वैलेंटाइन है। मैं ऐसा मानती हूँ कि ऐसा कुछ पढ़ाई वढ़ाई से होता नहीं है। मेरे से छोटी उम्र का यश और मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है और मुझसे ज्यादा अच्छा काम करते हैं। विद्या आरंभ संस्कार नहीं मनाना था मुझे, आद्या को पूजा से पहले बिजी रखना था, तो मैं तरह तरह के गेम्स खेल रही थी उसके साथ। मेरा मानना है कि बच्चों को पूजा कभी इंटरेस्टिंग लग ही नहीं सकती है। पूजा को इंटरेस्टिंग आपको बनाना है बच्चों के लिए। पूजा आरंभ करने का समय आ गया था और हर बार के जैसा मेरे घर में मेरी सासू माँ लास्ट मोमेंट पे चीजें खोज रही थी। काम का छोड़ के ये कर रही है। इतनी छोटी सी आई थी मेरे हाथ में। ओए मेरा भी हो गया। किसका बर्थडे? सरस्वती माँ का बर्थडे आज। ये सेफ्टी पिन से चूड़ी जोड़ी हुई है, टूट गई थी, सब बतवा दिया उसने। ये पहन लो। मम्मी के पास थी नहीं ऐसी चूड़ी, मुझे भी ऐसी चूड़ी चाहिए। हाँ ये वाली चूड़ी चाहिए मम्मी को। तू नई नहीं ला देगी? हाँ। क्या करना हो? न्यू न्यू चूड़ी लाएगी? हाँ, ऐसी वाली नहीं। क्यों? उसमें काम होते हैं। क्या जर्म्स होते हैं? मैंने अभी इसको जर्म्स से कहा, मुझे ही बता रही है। इस पे क्यों जर्म्स होंगे? काटने वाले जम्स होते हैं। जानती हो काटने वाले जम्स होते हैं? ये तो हमने कहीं नहीं पढ़ा काटने वाले। पैर में काटा था। जम्स ने काटा था? ये जम्स ने काटा है? तो गिर के चोट नहीं लगी है? ये जम्स ने काटा है? अत्या दिन भर घर पे ऐसी पटर पटर बोलती रहती है। तुम लोग ने एक चीज तो इतने दिनों से देखी नहीं होगी,
हाँ जी ये दिख रहा है, रुको ये देखो ये दोनों साथ में रहने लगे हैं। हाँ क्या हुआ, आप क्या करने वाले हो आज पूजा में? पूजा करोगे? कैसे करोगे पूजा? ऐसे नमः। क्या बात है, आगे ने मंत्र बोल दिए भाई, मुझे लगा नहीं था कि बोल पाएगी। हम सास्ते ब्रह्मन्दुनः त्यं वच्मि वक्त्वा माम् अवक्तारम्। बच्चों का दिल कितना साफ और भोला होता है आप लोग खुद ही देख लो। जिस बारे में मैं इस ब्लॉग में शुरू से बोल रही हूँ, जो बच्चे को आप दिखाओगे वही वो सीखेगा। खुद नहीं खाना भगवान को देना है। डैडी हनुमान जी के पोस्टर में। ओ वाह, आधे कैमरे में देखो, सबको देखो, आधे कैमरे में सबसे पूछो ना क्या मैं क्यूट हूँ, कमेंट में बताओ, कहाँ बताओ, आरंभ संस्कार में हमने आद्या से ओम ह्रीम नमः लिखवाया। बचपन में बेटी अपने पिता के गोद में बैठ के अपने पहले अक्षर लिखती है। वास अनुसार हमने चावल से भरी थाली में विद्या आरंभ करवाया आद्या का। सच बोलूं तो ये बच्ची कब इतनी बड़ी हो गई मुझे पता ही नहीं चला। पंडित जी जा चुके हैं और हम अब खाने वाले हैं बहुत सारी लूची पूरी यहाँ पे। ये बाल पकड़ के क्या कर रहे हो तुम? शिवानी के बाल है भाई, देखो ये। ला 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 ला। तो मेरी साड़ी खुल सी गई है। ओ, आप लोगों में बता दूं आज मेरी एनिवर्सरी है, हमारे को शादी को हो गए 13 साल। 14 की 13 कितने साल हो गए? 9 साल। 9 साल शादी को तो 9 साल शादी को 9 साल शादी को आज हमारे बोले 9 साल। कितना सुंदर बनाया हुआ तूने, वाह मुझे दिखाओ ना, दिस इज सो ब्यूटीफुल। टी ये जो भी है, दिल को क्या हो गया, ये दिल कैसा बनाया तूने? चलूंगी फूलों से भरे, मेरे नए प्लांट्स FII जो लोग नहीं जानते। क्या थम निकालो आद्या, सबको बोल दो लाइक करो, लाइक कर दो भैया, लाइक कर दो, कर दो, कर दो, ना लाइक हो लाइक कर दो। बाय, फिर से मिलेंगे ऐसे किसी स्पेशल मोमेंट में हमारी फैमिली के साथ। हम ये स्पेशल मोमेंट्स आपके लिए व्लॉग में डालते रहेंगे। आप जरूर मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। फिर मिलते हैं।